कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हर प्रदेशवासी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 21 दिनों के लॉकडाउन के इस कार्यक्रम के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ी है, क्योंकि इसे मालूम है कि लॉकडाउन की ये कार्रवाई देश की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी दृश्य हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर, कल मैंने प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए और उनकी सुविधा के लिए 11 कमेटियों का गठन किया था, जो हर एक अलग अलग फील्ड में इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे किसी भी जनता को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की असुविधा न हो, खाद्यान्न की कोई असुविधा न हो, दूध और सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, दवा, आइसोलेशन वार्ड, होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, पशुओं के चारे या फिर जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने, इन सब को दृष्टि 11 अलग अलग कमेटियों का गठन हम लोगों ने कल किया था। आज मैंने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी रोजगार के लिए जा गए हैं, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं भी बातचीत किया है। और मैंने उन सब से इस बारे में आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वहाँ पर हैं उन्हें वहीं पर सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, जिसलिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार उसका खर्चा वहन करने को तैयार है। और मुझे प्रसन्नता है कि तीनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने बहुत सकारात्मक रवैये के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, उन लोगों को पूरी सुविधा सरकार करेगी। भारत सरकार ने भी NDRF के अंतर्गत इन सबको कवर करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही कल ही हमारे चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उन सबको भी पत्र लिखा है और इस बारे में आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाए, वे लोग वहाँ से आए ना बल्कि वहीं पर रहने की व्यवस्था उनकी कर दी जाए। और सभी राज्य सरकारें इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों के जो नागरिक रह रहे हैं उनकी सुविधा और उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध किया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, खाद्यान्न की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, इसके लिए आज हम लोगों ने 12 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। ये नोडल अधिकारी उन राज्यों के जो नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने, किसी प्रकार की असुविधा उन्हें न हो, एक इस बात को देखेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक उन राज्यों में रह रहे होंगे उन लोगों के बारे में वहाँ की राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें जिन अधिकारियों को आज हम इसके बारे में व्यवस्था देने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लिए प्रमुख सचिव PWD श्री नितिन गोकर्ण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को इसके लिए तैनात किया जा रहा है, कर्नाटक के लिए DG बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद को प्रभारी बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है, पंजाब के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविंद कुमार जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, पश्चिमी बंगाल के लिए अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी बनाया गया है, राजस्थान के लिए प्रमुख सचिव उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण श्री बाबूलाल मीणा जी को इसके लिए तैयार किया गया है, हरियाणा के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी को इसके लिए वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है,
बिहार के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह जी को इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। गुजरात के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री दीपक कुमार जी को इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उत्तराखंड के लिए प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री अनिल कुमार जी को, मध्य प्रदेश के लिए श्री समीर वर्मा सचिव PWD को तैनात किया जा रहा है, और दिल्ली में हमारा जो रेजिडेंट कार्यालय है उसके रेजिडेंट कमिश्नर हैं श्री PK सारंगी, वहाँ पर दिल्ली में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। ये सभी अधिकारी जो 12 अधिकारी तैनात किए गए, इनके साथ साथ एक IPS अधिकारी को भी इनके साथ तैनात किया जा रहा है, जो राउंड द क्लॉक उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जो उन राज्यों में रह रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 21 दिनों के लॉकडाउन के कार्यक्रम में ये उन राज्यों में उन लोगों के रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके पर कार्य करेंगे। और उन राज्यों के नागरिक अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो ओवरऑल चीफ सेक्रेटरी इन कार्यों को देखेंगे, लेकिन इन सभी राज्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जो तैनात किए जा रहे हैं वे उन राज्यों के जो निवासी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी कार्य से आए थे, लॉकडाउन के कारण वे यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी समस्या संबंधित जनपदों में करने का कार्य करेंगे। मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी, कि वे जहाँ हैं वहीं रुकें। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए इस पर सरकार का पूरा फोकस है। 21 दिनों का लॉकडाउन की कार्रवाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज और पूरे देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के देश की इस लड़ाई में COVID-19 के खिलाफ जो एक लड़ाई देश ने छेड़ी है उस लड़ाई में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह में जो हमारे लेबर क्लास खास तौर पर वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है, ऐसा ना निकलें, क्योंकि आपके साथ बीमारी भी जा सकती है और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। जब सरकार इसके लिए पूरी संवेदनशील है, केंद्र सरकार ने कल 1,75,000 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज भी इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उन तमाम उस तबके के लिए जो गरीब है, कमजोर है, श्रमिक है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, किसानों के लिए घोषित किया है, फिर हमें चिंता नहीं करनी। सरकार जो कह रही है हम उसके साथ जुड़ करके पूरे लॉकडाउन की कार्रवाई को सफल बनाएं, ये मेरी सबसे अपील होगी। मुझे यही अपील सबसे करना था। ये सभी नोडल अधिकारीगण अपने अपने राज्यों, उन राज्य जो संबंधित राज्य हैं जहाँ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए उत्तर प्रदेश के वासियों का, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। हमने प्रदेश के अंदर अपने सीमावर्ती जनपद से जुड़े हुए और पूरे प्रदेश के अंदर सभी अधिकारियों को भी इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि एक होम डिलीवरी पर ध्यान दें, डोर स्टेप डिलीवरी। लगभग 18,000 से अधिक वाहन, फोर व्हीलर आज के दिन पर हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं। हम इसके अलावा जो मोहल्ले में किराना की दुकान होंगी उनको भी इसके लिए खोल रहे हैं कि वे सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसके साथ ही हम लोगों ने अलग अलग विभागों को ये जिम्मेदारी दी है कि वे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना आने पाए इस पर विशेष ध्यान उनका होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार की और देश की COVID-19 के खिलाफ वर्तमान की इस लड़ाई में प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक प्रदेशवासी सहभागी बनेगा और निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, यह संकल्प हम सबका होना चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश की जो कार्य योजना थी उसके बारे में बताना था, जो मैंने बताया है, और इसको निरंतर हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी।
निरीक्षण करने का जो खाना बन रहा है जो गरीबों के खाना